ये रखिए, एक दो और तीन अशर्फियां। शुक्रिया जिनू। जिनू पैसे मिल गए। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करी अमीरी। शुक्रिया। रुको। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ। लेकिन पैसे मत काटिएगा। हाँ। फनकार अंदर से जितने सख्त और अपने काम के लिए संजीदा होते हैं, उतने ही दिलदार भी होते हैं। तुमने फन की कद्र की, इसलिए हम तुम्हें दो अशर्फियां और देना चाहते हैं। सच? मुझ? यकीनन, तुम्हें छींक आ रही थी, लेकिन तुम छींके नहीं। हाँ। और तुम्हें इस बात का भी एहसास था कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं हिले। इसलिए हम तुम्हें दो अशर्फियां और देते हैं। ये रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। और बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चिनू आका, माफी माफी। आका, इन ऊपर की दो अशर्फियों का हम क्या करेंगे? करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है जिनू, लेकिन हम अम्मी के लिए नए कपड़े लेंगे। हाँ? वो अपने लिए कुछ नहीं लेती, मैं उन्हें नए कपड़े में देखना चाहता हूँ। हाँ, चलो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अबू जान, आपने ही तो फैसला किया था कि हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। हमें याद है आप कितना खुश थे इस फैसले से, तो फिर अचानक आपने फैसला क्यों बदल दिया अबू जान? चिल गोजा, ये क्या कह रही है? हमको तो कुछ नहीं पता। क्योंकि आपके लिए ये फैसला बिल्कुल सही है शहजादी। आपके अब्बा हुजूर और हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। कौन से माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को दूर करना चाहते हैं? और ये दुनिया का दस्तूर है, और इस दस्तूर को वक्त पर पूरा हो जाना चाहिए। शहजादी, हम जानते हैं कि आप सुल्ताना बनना चाहती हैं, लेकिन एक औरत के लिए ज्यादा मुनासिब किसी की बेगम बनना होता है। हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? बादशाह सलामत, हम सही कह रहे हैं? हाँ वजीर जफर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम जानते हैं वजीर जफर, आप हमेशा से हमारी सुल्ताना बनने के खिलाफ रहे। ऐसी बात नहीं है शहजादी, दरअसल खुदा ने आदमी और औरत को अलग अलग किरदार निभाने के लिए बनाया है। औरत को घर के अंदर, मर्द को घर के बाहर। यही सही है, औरत घर संभाले, मर्द बाहर। यही तो फर्क है आपकी और हमारी सोच में वजीर आला। निकाह सहारे के लिए नहीं बल्कि साथ के लिए होता है। एक औरत और मर्द बहुत अलग है, लेकिन वो बराबर भी है। निकाह के बाद एक औरत चाहे घर संभाले, पूरी सल्तनत संभाले, पूरी दुनिया संभाले, उसका फैसला है और किसी का नहीं। गुलामी और निकाह में बहुत बड़ा फर्क होता है वजीर आला, लेकिन अफसोस आप ये फर्क कभी नहीं समझ सकते। लगता है शहजादी बहुत गुस्से में है। अगर जुम्मन ने शहजादी के होने वाले शोहर के लिए हमारा नाम लिया तो इस वक्त बात बिगड़ सकती है। हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी, हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। किसे पता था कि ये हो जाएगा? हड्डियां जरूर कड़ गई हैं। मजा बहुत आया।
आका, तुम्हें चलने में इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी तुम्हें मजा आ रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम कहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारे सारे दर्द को गायब कर दूं। नहीं जिनू, अम्मी कहती हैं कि मेहनत का दर्द सुकून की नींद देता है। वाह, क्या नेक ख्याल है अम्मी के। वैसे ये सामान और नए कपड़े देख के अम्मी बहुत खुश होंगी ना। बस जिनू, मैं भी अब घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते ही मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। चलो। दर्द दर्द क्या होता है ये अलादीन को अब पता चलेगा। मेरे लकते जिगर, वो पोटली तूने अलादीन के कमरे में छुपाकर अपनी अम्मी का दिल जीत लिया। तो मेरा ही नाम दर्द ये ले, इससे जो मर्जी आए कर, पर पहले अंदर जा और अपने अम्मी के हाथों की बनाई हुई बिरयानी खा। बिरयानी मैं भी अम्मी। बेगम, मुझे घास फूस जैसी लौकी की सब्जी और गुल्लू को बिरयानी, थोड़ी सी बिरयानी अगर मुझे भी। कभी सुना है कि गधे ने बिरयानी खाई है? इस गधे को सूखी घास मिल जाती है वही गनीमत है। अरे मेरा बच्चा वो काम करके आया है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब देखना, अलादीन की अम्मी की जिंदगी में तूफान आएगा और वो तूफान लाएगी नाज़नीन। इससे पहले कि दोनों लौट कर आए सब सामान समेट देती हूँ। सब कुछ फैला कर रखता है अलादीन, और ये सामान, लगता है दोनों आ गए। और ये तोहफा किसके लिए है? अम्मी, अम्मी। तौबा, जान निकाल दी तुम दोनों ने मेरी। अम्मी, दिल थाम के बैठी अम्मी, और देखिए आपके दोनों बेटे आपके लिए क्या लेके आए हैं। खोलिए खोलिए। हाँ हाँ, देखिए। ये मेरे लिए है? हाँ। अम्मी, आपको तोहफा पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है, और ये तो बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बेटे अपनी मेहनत की कमाई से ये मेरे लिए लेकर आए। कसम सोने की अशर्फियों की, अगर दो पैसे का सुरमा इन आंखों में नहीं लगाया होता तो ये मोहब्बत देख के आज नाज़नीन रो पड़ती। तो रो पड़ो, तुम्हारी इन भैंस जैसी आंखों में आंसू देखे हुए बरसों हो गए। मतलब हिरनी जैसी आंखों में। अब ऐसे खुशी के माहौल में खलल डालने का दिल तो नहीं है, पर डालना तो पड़ेगा। बात क्या है चाची? रुखसार, याद है परसों पहले तुमने मेरे पास कंगन गिरवी रखवाए थे? हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने आपसे कहा भी था कि उन्हें संभाल कर रखिएगा, जिस दिन हम आपका कर्जा चुका देंगे वो कंगन वापस ले आएंगे। अब वो दिन तो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल ये कहने आई हूँ कि वो कंगन कहीं मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे मतलब? वो कंगन आपके हिफाजत में थे और आपने अम्मी के कंगन खो दिए। चाची, आप अपने घर फिर से जाइए और ठीक से देखिए। हाँ, ठीक से देखिए। कसम सोने की अशर्फियों की, ऐसे तेवर तो दो ही तरह के लोगों के होते हैं, एक जो बिल्कुल सच कह रहे हों और दूसरे जो सच को छुपा रहे हों। मतलब ये रुखसार
कि मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैन। मरकश के शहजादे हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? हाँ, वजीरा आला बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे ज़ैन के साथ होगा और हम शहजादी के निकाह में आप बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते। आमीन। भाभी, आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे रुखसार, इल्जाम नहीं, शक है। अब ये शक सही है या गलत, ये तो तब पता चलेगा ना जब अलादीन के कमरे की शिनाख्त होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? आप जहां चाहे तलाशी ले सकती हैं। लेकिन अम्मी डर उन्हें लगता है जो झूठे होते हैं, सच्चों को सिर्फ यकीन होता है। आप ले लीजिए तलाशी। हट जा गरीबी। हम तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। अब यहां तो शहजादी यास्मीन हमारे सामने थी। मालूम था हमें कि अगर निकाह के लिए हमारा नाम लिया जाएगा तो वो फौरन ही इनकार कर देंगे। बस इसीलिए हमने समझदारी दिखाई और मरकश के शहजादे ज़ैन का नाम ले लिया। अच्छा करती, आप शहजादी के चाचा की उम्र की होती, शादी होती तो आपके बच्चे आपको दद्दू दद्दू कहती। नकली नाटक में अपनी असली औकात मत भूल जुम्मन। चिलगोजा। मरकश का शहजादा ज़ैन, सुना है कि ये बहुत ही दिलेर और बहुत दूर है। शतरंज के खेल में शहजादा ज़ैन हमारा दूसरा मोहरा है। बादशाह को तो मात दे दी, अब वक्त है शहजादी यास्मीन का। शहजादा ज़ैन,
बगदाद पहुंच चुका है अपना काम करने के लिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। आप लोग जा सकते हैं। आप कब तक उस खंभे के पीछे छुपी रहेंगी? आपको अलीजा का वास्ता, अब तो बाहर आइए। वो माफ कीजिए, अब हम वो मैं देख रही थी। अगर माफी नाम का लफ्ज आपके होठों पर अच्छा नहीं लगता शहजादी यास्मीन। शहजादी मैं शहजादी नहीं हूं। अच्छा, लेकिन हुस्न, अदा, तेवर सारे शहजादियों वाले। हम मरकश के शहजादे हैं। ज़ैन, शहजादा ज़ैन मरकश से आया है। मरकश की मिट्टी में फूल नहीं बल्कि आला जादू पनपता है, और उसी जादू में इस्तेमाल किए जाने वाले बगदादी ऊंट, उनकी खाल और उनकी हड्डियां कम कीमत पर मुच्छड़ी पहुंचाता है। माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप ये घाटे का सौदा करते क्यों हैं? नजदीकी घाटे को ना देखकर और दूर के मुनाफे को देखना ही समझदारी है सूबेदार अकबर। हमने शहजादे ज़ैन की मदद इसलिए की ताकि सही वक्त आने पर वो हमारी मदद कर सके। शहजादा ज़ैन के पास जादू है, काबू है, और वो जिसे चाहे चप अपने काबू में कर सकता है। मेरा नाम। दिल तो करता है कि आपको तोहफे में नया नाम दे दे, मगर आपकी आंखें, इन्हें देखकर हम सारे नाम भूल जाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए एक अजीज नया तोहफा। कैसा लगा? माफ कीजिए, लेकिन मैं ये तोहफा नहीं। आपको अलीजा का वास्ता, हमारा दिल मत तोड़ी। आपको अलीजा का वास्ता, बताइए हमें क्या करना है? उस पर चल कर दिखाओ।
चाचा। ढूंढे दे हमें, कुछ मिला क्या? अरे कहाँ मिला, तुम्हारे गोल से गुल्लू ने पता नहीं कंगन कहाँ छुपा दिया। ढूंढो ना। अब क्या आप लोग छत तोड़कर देखेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले के लिए यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ चले जाइए।